मनोज तिवारी बहुरूपी प्रतिभा के धनी हैं। वे एक्टर हैं, वे सिंगर हैं, साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन भी हैं। मनोज तिवारी जी का जन्म वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ, पर उनका परिवार बिहार से बिलोंग रखता है। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री बनारस हिंदू विद्यालय से प्राप्त की। मनोज जी ने भोजपुरी सिनेमा को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया। उन्होंने अनेकों मूवी की, अनेकों गाने गाए। आज भी उनके गाने प्रचलित हैं और लोग उसे आज भी सुनना पसंद करते हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला और दरोगा बाबू आई लव यू इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्में थी। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया था कि मनोज तिवारी पर मूवी के 65 लाख तक लेते हैं। मनोज तिवारी जी बिग बॉस में भी पार्टिसिपेंट थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे बिग बॉस, पर उनकी फाइट जो है डॉली बिंद्रा के साथ आज भी यूट्यूब में छाई हुई है। जिया तू बिहार के लाला गैंग्स ऑफ वासेपुर की ये फेमस सॉन्ग मनोज तिवारी ने ही गाई है। 2009 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ी आदित्यनाथ योगी के खिलाफ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय वो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। मनोज तिवारी जी अनशन पे भी बैठे थे रामदेव बाबा के साथ रामलीला मैदान पे, जब अन्ना हजारी जी को जेल हो गई थी। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया आनंद कुमार के अपोजिट, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इस इलेक्शन में मनोज तिवारी जी की जीत हुई, वो भी बड़े मार्जिन से। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी मनोज तिवारी जी ने जीत हासिल की शीला दीक्षित के विरुद्ध, वो भी बड़े मार्जिन में। तो ये थी मनोज तिवारी जी की छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ और मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।